आज फिर कुछ किया उसने? वो कम है क्या? अरे अब जो हो गया सो हो गया। मैंने कहा सबका बहाना। अरे अब जो हो चुका है उसे याद करके रोने से क्या लाभ? जो किया है वो कैसे समेटना है? हाँ सोचा है वो क्या? याद रखिए, आपका वजन 100 सेर नहीं हुआ तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। मुझे तो लगता है कि आप अपने पहले वाले वजन पर ही हैं। आज का वजन तो मुझे उतना ही लगता है, बढ़ा ही ना हो जैसे। अच्छा आज आपका वजन कितना था? आज का मैंने तो वजन किया ही नहीं, ना ही मेरे पास तराजू है। हे भगवान, क्या करने जा रहे हैं आप राजगुरु जी? जब मालूम ही नहीं कि कितना कार्य करना है तो यूने है कि 5 दिन बाद दरबार में आप क्या जवाब देंगे? यदि वजन कम निकला तो वो कमबख्त क्या कहेगा, क्या कर लेगा? आपको तो कुछ नहीं कहेगा, आपको तो एक मधुर मुस्कान देगा। कहेगा तो शत्रुंजय से। क्या कहेगा? वो शत्रुंजय से कहेगा, शत्रुंजय महोदय, अब राजगुरु जी आ गए हैं, अब आप अपने उत्तर का सत्यापन कीजिए। फिर क्या होगा? फिर एक बहुत बड़ा तराजू मंगाया जाएगा और आपको उसमें विराजमान होने को कहा जाएगा। अरे फिर? फिर आपका वजन तौला जाएगा। अरे फिर तो बड़ी विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर यदि वजन कम हुआ तो हो सकता है शत्रुंजय आपके भाई को बुलवाए और पूछे कि आपने उसकी आव भगत स्वीकार नहीं की अथवा उसी ने आव भगत नहीं की। फिर आपके भाई को कोई बहाना बनाना पड़ेगा, कोई कहानी सुनानी होगी। हाय राम, फिर तो अनर्थ हो जाएगा, सारा भांडा फूट जाएगा। क्यों? अरे मेरा भाई झूठ नहीं बोलता, वो तो स्पष्ट कह देगा ना मैंने बुलाया और ना ही कोई आया, तो आओ भगत का प्रश्न कहां से पैदा हो गया। ए भगवान, फिर तो बचने का आखिरी रास्ता भी समाप्त हो गया। राजगुरु जी अब तो आप बुरे फंसे। हाँ एक काम तो हो सकता है। वो क्या? कस कर पेट के साथ पंसेरी बांध लूंगा। राजगुरु जी पूरे दरबार के सामने आपकी खिल्ली उड़ जाएगी। हाँ क्यों खिल्ली उड़ जाएगी? पहले तो वो कमबख्त आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहेगा और दूसरे शत्रुंजय भी देख रहा होगा। अरे अब मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया। रंगबली आपका ही सहारा है, बचाओ कोई संजीवनी लाओ। हे बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोग उजागर। हे भगवान, हे हनुमान। महाराज कुछ समाचार मिला क्या? अभी निर्देश नहीं दिए। मगर आपने तो रोक दिया। सोचा गुप्तचरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वे सोचेंगे कि हमारे महाराज को अपनी दरबारियों पर ही भरोसा नहीं हो रहा है, ये सोचकर दिल है जो हमारे दर पे खेल रहे हैं। हाँ मगर मुझे रोमांच नहीं बल्कि कौतूहल हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? तेनाली राम का आक्रोश किसी बात पर वो राज गुरु से शुद्ध है। मामा कब तक दरबार में आना आरंभ करेंगे? मुझे लगता है दरबार में वो मेरे अरे यह मार्ग है, मगर उम्मीद कम है उनकी बुद्धि में। वो मेरा मानना है कि मामा को झुकना। आप क्या समझते हैं मामा ने गलती कहाँ पर की? ना बनाना। तो वो क्या करते? ही जो आज उन्हें करना चाहिए। बहुत घुमा फिरा कर बात। जब बातें हो और सा हो और उन पर ज्यादा गौर देते हो, यह
ज्यादा सोचते हो तब वो अति जटिल लगने लगती है। तो आज प्रश्न तेनाली राम जी की है। तो पूछिए तेनाली राम जी। जी महाराज, मेरा शत्रुंजय से प्रश्न है, कुछ जीव अंडे देते हैं और कुछ दूध देते हैं, जीव का नाम बताए जो दोनों देता है। अर्थात जो अंडे भी देता है और दूध भी। जी महाराज। बहुत कठिन प्रश्न है, यदि सही प्रश्न है तो। महाराज, जब तेनाली राम जी पूछ रहे हो तो प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। तेनाली राम जी कि अर कितने हैं, 2, 4, 8 या अधिक? 2। क्या वो एक ही समय में दोनों चीजें यानी दूध और अंडे दे सकता है? हाँ। क्या वो इनको देने के बदले में कुछ लेता है? हाँ। पैसे लेकर तो वो मुर्गी और गाय भी दे सकता है। वाह, ऐसा प्रश्न सुनना, ऐसा उत्तर। कोषाध्यक्ष जी। जी महाराज। अरे क्या हुआ आज, आने में देर कैसे हो गई? राजगुरु जी, आज अपना भार तौलिए हमारे सामने। अरे कैसे तोलूं, मेरे पास तो इतना बड़ा तराजू ही नहीं है। हे भगवान, कल क्यों नहीं कहा आपने? अरे आपने तोलने को कहा ही नहीं। ठीक है, हम जा रहे हैं। अरे अभी तो आए हो, कहाँ जा रहे हो? आपके लिए तराजू का प्रबंध करने, संध्या तक आपके पास पहुंच जाएगा। राजगुरु जी बाहर आइए। आ रहा हूँ। अरे ले आए तराजू, अब विराजिए इस पे। अच्छा ठीक है, एक पलड़े पर मैं ये बैठ जाता हूँ। मोहन चलो आरंभ करो। राजगुरु जी ये तो 90 सेर भी नहीं है। अरे मैंने बताया तो था कि मेरा वजन 90 सेर है। मगर आप तो खूब खुराक ले रहे हैं और सो रहे हैं, 2 से 3 सेर तो बनना चाहिए था। अरे क्या खूब खुराक खा रहा हूँ मैं, उस कमबख्त की दहशत के मारे भूख सूख गई है मेरी। रात भर उसके सपने आते हैं, अरे नींद कहाँ से आएगी। सपने में भी वो कमबख्त क्या कुछ कहता है। नहीं तो फिर क्या बात है घबराने की। अरे सामने खड़ा होकर मेरे मुस्कुराता रहता है कमबख्त। आज रात से वो हंसेगा भी। क्यों हंसेगा वो? आपका वजन तो 90 सेर भी नहीं निकला, 89 सेर जो है। फिर क्या करूं मैं? अरे दिल करता है कि उसके मुंह पर पत्थर दे मारूं। फिर नींद खुल जाती है मेरी। हाँ सपनों में ये मुश्किल तो आती है। अब बताओ, अरे कैसे निकलूं इस चक्रव्यूह से? रात को सोचते हैं, फिर कल सुबह कोई हल निकालते हैं। एक बात तो तय है, आपका वजन 4 दिन में 11 सेर तो नहीं बढ़ सकता। अरे ये तो मुझे पता है। फिर कुछ ऐसा रास्ता निकालना होगा कि आपको वजन तौलने की नौबत ही ना आए। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो सोच लूंगा कि गंगा नहाया। नहीं, मैं आपको भी गंगा नहलवा दूंगा। कुछ गणना कर रहे हैं, धन की तो नहीं? धन
हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ, जब से शत्रुंजय आया है स्वर्ण मुद्राएं मिलनी बढ़ गई हैं। बस 100 स्वर्ण मुद्रा कम है, अब वो मामा देगा। फिर भी आप मामा जी ने जो आपकी 100 मुद्राओं का झटका लगाया था उसको नहीं भूले। सच बात तो ये है कि मुझे रत्ती भर भी चिंता नहीं, मामा ने मेरी 100 स्वर्ण मुद्राओं पर पानी फेर दिया। फिर उसे इतना दंड क्यों दे रहे हो? नीति। नीति? हाँ, ये मेरा सिद्धांत है कि विरोधी को सर मत उठाने दो। यदि किसी ने मेरा रास्ता काटा तो उसका रास्ता अवश्य कटेगा, नहीं बंद हो जाएगा। यही प्रभाव, यही साख, यही ख्याति आपका रास्ता निर्विघ्न बनाती है। तो आप इसलिए मामा को पाठ पढ़ा रहे हैं? अरे, बाकी सबको संदेश दे रहा हूँ, मुझसे उलझना मत। देखिए राजगुरु जी, हमने चुकी है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जिस दलदल में आप फंस गए हैं उसमें से आपको एक ही व्यक्ति निकाल सकता है। एक ही व्यक्ति निकाल सकता है? अच्छा, कौन है वो? वही जिसने आपको फंसाया था। अरे फिर एक ही बात दोहरा रहे हो? क्योंकि इस बार हम दोनों की बुद्धि ने यही उत्तर दिया कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। क्या आप गंभीर हैं? हाँ राजगुरु जी, समस्या हमारे सर से ऊपर है। क्या करना होगा ये तो बताओ। यही सोचना बाकी है। क्या आप मुझे उसके सम्मुख झुकाना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं राजगुरु जी, ऐसा नहीं है। हाँ, हम कोई सम्मानजनक मार्ग ढूंढेंगे। ठीक है। यदि महाराज की आज्ञा हो तो प्रश्नोत्तर। आज शत्रुंजय की बारी है। जी महाराज। तो पूछिए अपना प्रश्न। महाराज, तेनालीराम जी से मेरा प्रश्न है। आप बताएं। मेरा प्रश्न है जिसका आप उत्तर देंगे, तो बताएं कि उत्तर क्या है। वाह वाह, तो बताएं उत्तर क्या है। शत्रुंजय, कृपया अपना प्रश्न कम शब्दों में दोहराएंगे। हाँ हाँ, संक्षेप में प्रश्न पूछिए। महाराज, मेरा प्रश्न है कि उत्तर क्या है। सूर्य को जल चढ़ाते समय आपका बायां हाथ उत्तर है। वाह, जैसा घुमावदार प्रश्न वैसा ही उत्तर। वाह, किस ढंग से तेनाली राम जी ने बताया। उत्तर एक दिशा का नाम है। वाह, जो पूर्व की ओर मुख करने पर आपके बाएं हाथ की ओर होती है। वाह। वाह कोषाध्यक्ष जी। जी महाराज।